डॉक्टर ऑस्टिन टाइंग। तो जब हम जेएनवी की बात करते हैं तो बहुत सारा जेएनवी में लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह यूपीएससी या कुछ भी स्टेट का सिविल सर्विस हो क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको सिंपल सा जो टिप्स हो किस तरह से देंगे आप उनको? मैं वही बोलूँगा कि मेहनत करते रहना पड़ेगा। इतनी यस्टरडे किसी में मैंने बोला था कि हम लोग जो जेएनवी एक्चुअली में थे, मैंने लिटरली बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया था। हमारे वहाँ कैपेसिटी इंटेक 40 का है, तो 40 का है तो 80 लोग आना चाहिए, लेकिन परमानेंट साइट के कारण एक दो हॉस्टल खाली रह जाते थे। तो वो जो हॉस्टल खाली था वहाँ पे जाके बाथरूम में अपना अपना पर्सनल बाथरूम को लॉक करके वहाँ बैठ के बॉक्स बॉक्स डाला, फिर ब्लैंकेट लगा के वहाँ बैठ के पढ़ाई करता था। मैं अकेला नहीं, मेरा दोस्त भी आ गया, फिर दूसरा सब चार दोस्त ऐसा हो गया, क्योंकि शांत माहौल चाहिए होता था। तो क्लासरूम्स तो आपका डिनर बन आ जाता है, तो हॉस्टल तो डॉर्मेट्री आपको भी पता है, डॉर्मेट्री में तो कहाँ पढ़ाई होता है, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे वहाँ पे फिजिक्स टीचर था वो भी, लेकिन सेकेंड साइंस में पेपर टू को भी कम्प्लीट नहीं कर दिया था, कंप्लीट नहीं किया। तो मेरा एक दोस्त जो लकीली कोचिंग था, ट्यूशन करके आया था वेकेशन में, तो मैं उसका नोट से कुछ पढ़ाई किया। तो बेसिकली मेहनत करना ही पड़ेगा, तो मेरा तब से मेहनत शुरू था। फिर जब आप एमबीबीएस में जाते हो ना, एमबीबीएस में वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, पढ़ाते बहुत कम है। फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर के बाद इतना कम पढ़ा क्लासेज होते हैं, प्रैक्टिकल और आपका सर्विस स्टडी, तो पूरा सर्विस स्टडी का वो आदत लग जाता है। तो आपको सर्विस स्टडी में अपना ही मेहनत करना पड़ता है, तो मेरा भी कंटिन्यूस अपना ही मेहनत हो गया। तो खुद मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लोग को लगता है ना हो जाता है, तो मुझे भी लगता था मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, पर अब जब सोचता हूँ ना तो कितना पढ़ाई किया, तब लगता हूँ मैंने तो कंटिन्यूस 3 साल दो घंटा तो वो तो मिनिमम पढ़ाई था। उसके बाद सब्जेक्ट जब ऐड करेगा तो 4-5 घंटा हो जाता, कभी कभी कोई कोई दिन में, इसके बाद कोई कोई दिन में जब सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, बट करेंट अफेयर्स और न्यूज़ पढ़ता था तो 2 घंटा मिनिमम रह जाता था। तो जब टोटल करेंगे तो काफ़ी पढ़ाई हुआ है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, विदाउट मेहनत नहीं होगा। लोगों को लगता है ना ब्रेक लेगा, ये नहीं होगा, वैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा जी। तो सर, जैसे अभी आपको बात करके लग रहा है कि आप एज ए स्टूडेंट बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट जेएनवी स्टूडेंट किस तरह के स्टूडेंट रहे स्टडी को छोड़कर? स्टडी को छोड़कर तो आई थिंक स्पोर्ट्स में तो इतना तो खास नहीं था, क्योंकि जब मैं 6th to 10th में था तो शायद 1-2 मेडल मिलता था स्पोर्ट्स में। इसके बाद क्लस्टर भी मैं तो शायद उसमें ही जाता था, एग्जीबिशन में ही जाता था, पढ़ाई के रिलेटेड थी जी। आई डोंट थिंक सो कुछ हुआ भी है, हाँ जो हर सैटरडे जो को करिकुलर एक्टिविटीज रहता था उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करता था जी। और हमारे वहाँ जब असेंबली होता था एक फ्राइडे सैटरडे को, वो लोग आसामीज में कराते थे, तो हमेशा मुझे ही आसामीज न्यूज़ को पकड़ा देता था, क्योंकि सबसे लंबा रहता है, तो क्विज वो सब छोटा छोटा रहता था, आसामीज न्यूज़ मुझे थामा देता था, आप पढ़ो बोल के, आप अरुणाचल के तो आपने भी तो आसामीज ही पढ़ा होगा, तो वही आसामीज न्यूज़ पकड़ा देता था। तो वही को करिकुलर एक्टिविटीज तो हमने भी बहुत किया है, और सिंस थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक था बोल के कुछ भी जो सैटरडे का जो कोपर एक्टिविटी इवेंट होता था मुझे ही भेज देता था, हिंदी ऐसे राइटिंग आप जाओ, डिबेट आप जाओ, यही करता था। मैं उदयगिरी हाउस का था तो मुझे उदयगिरी में भेज देता था, उदयगिरी हाउस के कैप्टन जो आप जाओ करके जी। तो जब अब जेएनवी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करते हैं? वही दोस्तों को, क्योंकि बहुत ही वेकेशन जाता था, तो मैं वापस जाके जाने का मन करता था। स्पोर्ट्स पीरियड बहुत मज़ा आता था, स्पोर्ट्स पीरियड तो नहीं सॉरी स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो आफ्टर हमारे यहाँ 2:30 to 3:30 रिमेडियल के बाद होता था, तो शायद आपके में थोड़ा अलग हो सकता है, बट आई थिंक वो जनरल पैटर्न है रिमेडियल के बाद, तो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद तो मैं वही बोलूँगा, मिस बहुत करता है दोस्त लोग को, अगर अभी तो बहुत दोस्त एक दो ही दोस्त साथ में है, तो कोई ना कोई तो ट्रांसफर हो गया जॉब में, इधर उधर है, अभी कोई पढ़ाई कर रहा है, कभी साथ में नहीं हो पाता। तो वही होप करते हैं आप लोग मेमोरीज बनाई है, क्योंकि पढ़ाई को कोई याद नहीं करता, जो मेमोरीज बनाता है ना वही याद करता है, तो पढ़ाई भी कीजिए वो अलग बात है, पर साथ साथ में मेमोरीज भी बनाइए। जैसे कि एक दो बार क्लास बंक मारा है तो मुझे वो भी याद है, हाँ हमने भी मारा था तो वो मेमोरीज रहते हैं जी। तो कुछ लोगों तो दोस्त लोग तो रात को भी कूद के बाउंड्री वाल से बाहर भी गया है, तो मैंने तो कभी नहीं किया, पर
अभी सोचता हूँ तो कर देना चाहिए। तो सर इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट इन देते हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ बदमाशी की बात करते हैं, एक्चुअली वो मिस्चीवियस एक्टिविटीज था। जैसे मैं भी जैन भी महादेवपुर का, तो जो हमने जो बदमाशियाँ की थी वो है जैसे चुप चुप के फिल्म देखना, वो पकड़ा भी गया था हम लोग, और वो मेज से बहुत सारा सामान चुरा के जंगल में जाके पकाना, वो सब मैंने भी किया। तो आप अभी आप सोच रहे कि हाँ वो भी करना चाहिए था, तो क्यों? तो वही बोलूंगा, तो क्योंकि मेमोरी से याद रहता है, वही बोला आप कुछ भी करो आपने क्या क्लब आपको आपको अभी याद दिला, आपको खुद किसी को भी पूछ लीजिए अच्छा आपने वो साल को कौन कौन सा क्लास में कुछ याद है पढ़ाने वाला, कुछ भी याद नहीं रहते, बट वो साल को आपने खाने पकाया था ना, हाँ हाँ गया था तो जंगल में, वो याद रहता है। हमने भी किया है, ऐसा नहीं है, अभी भी किया है, वही कि पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, मेरा भी कुछ इस तरह का मतलब कहानी है। हाँ, बदमाशी कर सकते हो लेकिन इतना इस्तेमाल में नहीं किया आप, जैसे कि ड्रग्स वगैरह वो सब के मत कीजिए, बट छोटा मोटा है ना, लाइक आपने जो बोला ना जंगल में जाकर पकड़ना, वो तो कीजिए जरूर, अगर नहीं किया है तो कीजिए, पकड़ा जाने से भी उसके लिए रेस्टिकेट कभी नहीं होगा जी। क्योंकि आप, मैंने कहा कि आप डॉक्टर हैं, उसके साइड बाय साइड किसी तरह से किसी को हेल्प करोगे? हाँ श्योर, अगर जैसे कि कभी कभी पूछते हो, जैसे कि आप उस दिन नहीं किया, मैं आग लगा था, अलग बात है हुआ नहीं, बट जब आग लगा था तो मेरे कुछ दोस्त, मेरे दो दोस्त और सीओ थे, वो लोग जाके आग बुझाने में मदद किए थे। तो मशीन से आई वॉज ऑलरेडी डॉक्टर, और मेरा 2-3 महीना ही हुआ था, मतलब बहुत बड़ा आग लगा था, पूरा मार्केट 100 से ज़्यादा हाउसेज जल गए, नॉट 100 आई थिंक 60-70। तो उसमें मैं सीधा हॉस्पिटल गया, क्योंकि मुझे लगा कि पेशेंट लोड ज़्यादा होगा तो मेरा डॉक्टरी का काम जी हेल्प होगा। तो और मेरे थोड़ा मैं फ्रेश आउट ऑफ द डॉक्टर जॉब से निकला था, तो मुझे आइडिया भी था तब तक, तो मैं सीधा अस्पताल गया। तो वो लकी इनफ कि एक दो पेशेंट ही आया, तो मेरा EMO वहाँ पे मैं पहचानता, वो हैंडल कर पाया, और ज़्यादा लोड होता तो मैं ज़रूर मदद करता। तो वही उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि मैं आया वहाँ पे एथलीट बोल के। तो वही कोशिश करता हूँ, अगर कोई पूछता है बीमारी वगैरह तो जनरल ड्रग्स तो मैं भी प्रिस्क्राइब तो अभी तक अलाउड है, वही मेरा लाइसेंस भी अभी तक वैलिड है, क्योंकि 5 years का भी लाइसेंस रहता है जी। तो मेरा शायद 24 तक वैलिड है, तो चलेंगे तो आप, मैं प्रिस्क्राइब भी कर देता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं भी, कोई भी को जनरल वाला, अगर ज़्यादा वो हो जाता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, बट हमेशा मदद करने की कोशिश करता हूँ। जनरल में तो मैं जरूर ड्रग्स तो अलाउ तो कर ही देता हूँ जी। तो सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेकिंग मेमोरीज को थोड़ा इम्पोर्टेंट देना चाहिए और दीजिए भी, अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप इंक्यों की बातें करते तो जो बातें याद रहेंगी वो क्या होंगी? इंक्यों में मैं वही बोलूँगा कि लाइक पब्लिक भी शायद अच्छा लगा होगा, क्योंकि लाइक कभी कभी कुछ कभी कभी ऐसे एफिडेविट वगैरह में कोई कोई लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो इस एफिडेविट एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें वो बंदा मेरे सामने स्वेयर करता है, मेरे सामने स्वेयर किया बोल के मुझे बस साइन करना होता है, बट कोई कोई लोग वहाँ का डिटेल्स भी मांगता, अरे इसका भी कागज़ वो दो। तो सिंस एवेलेबल थोड़ा जनरल थिंग है, तो उसमें मेरा ऊपर कभी वो कोर्ट मैंडेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो उसमें मैं यूजुअली काफ़ी लाइक लीनियंसी देता था जी जी। वही बोलते हैं ना, अगर घी सीधा से नहीं टेढ़ा कर दो, तो मैं हमेशा बैंड कर देता था रूल को, तो मैं खुद कभी कभी विटनेस भी बन जाता था, एक विटनेस जरूर, टू विटनेस जरूरी है, बट मैं हमेशा एक विटनेस ट्राई करता हूँ, एटलीस्ट एक तो चाहिए, मैं खुद ही विटनेस बन जाता था कभी कभी। तो ऐसे में तो पब्लिक क्या करते थे, लाइक किसी सर लोग साइन नहीं करा पाते थे, तो मेरा हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि मुझे सुनना होता बाहर में कोई टहल रहा होने से, मैं बुला लेता हूँ, अरे अंदर आ जाओ क्या प्रॉब्लम बताओ बोल के। तो बाहर में से टहल रहा था, तो वो पियन लोग को बोलते सर लोग नहीं करते ये बोलो, वो लोग क्या होता है सर का बस वो कर देगा बोलते, तो हम भी सुन लेते हैं, तो हमको भी लाइक अच्छा लगता है, क्योंकि आदमी लोग सोचते हैं कि इजी है तो इजी एक्सेसिबल भी है, एक्सेसिबल रहना बहुत मैटर करता है, मैं इसलिए हमेशा दरवाज़ा भी खोल के रखता हूँ, मेरे वहाँ पे एसी भी है, बस एसी बंद करके दरवाज़ा खोल के रख देता हूँ, ताकि आओ बोल के, कि तब दिखेगा ना सर बैठा है कि नहीं बैठा है, तो बंदा भी आ जाता था, तो मैं जल्दी वो कर देता था, अगर उससे बहुत अगर कोई बुरा बुरी औरत हो रहता है तो वो भी उसको भी मैं यूजली उससे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं बैठ के पर्सनली भी पूरा समझा समझ को उसका लिख भी देता था एफिडेविट को जी। तो अच्छा लगता है जब वो लोग तब वो लोग बोलते सर मतलब आदि में नोमा आया नक्का मतलब आप बहुत अच्छा ऐसा सर देखा नहीं बोल के, तो हम बहुत अच्छा लगता है पब्लिक का जब वो मिलता है ना, भले ही किसी किसी को तो हुआ होगा प्रॉब्लम भी, बट आई थिंक जब बोला है ना एक दो बंदा ने तो काफ़ी बोला कि सर बहुत अच्छा काम किया आप, तो ऐसे मतलब
एक था एक जो सर का बाहर खड़ा था, वो सर भी बिजी थे क्योंकि वहाँ पुलिस का कुछ इशू चल रहा था, वो बाहर खड़ा ही खड़ा था। हम जाके क्या हो गया, बोला सर इसमें साइन चाहिए, बोला हमको दे तो हम ही कर देगा, हम कुछ जाके कर दिया है, वो अलग कॉरिडोर में से खड़ा था, तो हमको लगे वो क्या करे खड़ा है, बोल के हम जा रहा था डीसी चेंबर में जा रहा था, तो नहीं पहले उसको मिल लेगा, बोल के बंदा क्या चाहिए, बोला तो सर इसका साइन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बोल के वो मतलब कुछ उसका होता है अलग चालान का साइन होता है, तो मैंने हाँ जगह आपको ही कर देगा, हम कर देगा बोल के ऐसे, तो बोला सर आई डोंट नो इनको ही नो, मतलब आपका टाइटल क्या है, बोला तो बताएंगे, बोला तो अपना आदि के बहुत अच्छा है बोल के, तो वो बोला तो मुझे अच्छा से याद है, तो बस रिसेंटली हुआ है मुझे लाइक तो एक दो हफ्ता पहले, तो वो तो रहेगा, पब्लिक का जब मिलता है ना ब्लेसिंग्स एंड बहुत अच्छा लगता है। तो सर आपके जैसे जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया और बातें की, तो इससे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। नाउ कम टू जेएनबी की बातें फिर से, सर जेएनबी की बातें करते हैं तो कि आप भी जेएनबी के प्रोडक्ट हो, आगे जाकर जेएनबी के लिए कुछ करना चाहोगे? हाँ, इसमें वही मेरा जैसे कि जेएनबी पासे का टेम्पररी साइट में था, पता नहीं लास्ट 2 days बैक प्रिंसिपल ने कॉल किया, इंचार्ज प्रिंसिपल ने बोला कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो कभी एलुमनाई मीट होगा तो आप बुलाएंगे, तो मेरा वही हमेशा ड्रीम रहता था कि जितने भी अरुणाचल में है सब परमानेंट साइट अच्छा हो जाए, अगर मैं कुछ अगर इनमें कैपेसिटी बाद में कुछ फ्यूचर में आ जाता है तो मैं वही कोशिश करूँगा कि स्पेशली अरुणाचल को रखे, नॉट ओनली अरुणाचल कहीं भी जहाँ पे रहे टेम्पररी साइट का वो जो प्रॉब्लम है मुझे मालूम है, क्योंकि हमारा जो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप तो महादेवपुर के हैं तो आइडिया थोड़ा कम होता होगा, बट हमारा जेएनबी एक बहुत बड़ा हॉल जैसा था जी, एक खिड़की भी नहीं, दो दरवाजा, एक खिड़की नहीं, और उससे बना हुआ बम्बू से वो वॉल्स को बनाया गया था, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें लिटरली लड़का जितना लड़का सब वही पे घुस जाते थे, और वो डबल बेड रहता था, डॉर्मेटरी में सिंगल बेड रहता था, हमारा डबल बेड, जस्ट इमेजिन ऊपर वाला को कितना गर्मी रहता था, सीलिंग नहीं, इतना हेक्टिक, मतलब ना टेम्पररी साइट में ऐसा रहना पड़ता जी था जी। और क्लासरूम जाएगा तो क्लासरूम में 2 पंखा, एक पंखा स्लो चलता है, एक जो मतलब ठीक चलता है, तो इसलिए हम लोग टेबल को भी ऐसा रोटेशन मारना पड़ता था, क्योंकि पंखा हर किसी को चाहिए तेज वाला, तो मुझे पता है टेम्पररी साइट का कितना तकलीफ होता है, और मैंने परमानेंट साइट जब मैं क्लासरूम में जाता था लखीमपुर सोनीपुर गया, तो देखा कि कितना अच्छा रहता है, फिर याचुली गया, याचुली में भी तो परमानेंट साइट है, तो मैं वही कोशिश करूंगा कि अगर जितना भी टेम्पररी साइट है उसको परमानेंट साइट में जल्दी जल्दी हो जाने के लिए जी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो टीचर्स भी आने मन होगा, क्योंकि वन ऑफ द रीजन टीचर नहीं आने का वही प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो क्वार्टर नहीं है, क्वार्टर नहीं तो क्यों आने मन करेगा, सच में उनका भी लॉजिक बनता है, और बाद में एशिया में तो लेकिन लकी इनफ कि हमारे टीचर्स 10 साल तक रह गए, क्योंकि उनको अच्छा लगा, लाइक पब्लिक अच्छा लगा, बच्चे अच्छे लगे, हम मेरे जाने के बाद मेरे MBBS खत्म होने तक कोई कोई टीचर बैठा था, जैसे मुझे मेरा टीचर जो जी मेरा MBBS तो एटलीस्ट 6 ईयर्स लग जाता है, फिर मैं क्लास 10 में छोड़ दिया, क्लास 10 में छोड़ दिया, तो 8 साल के बाद भी टीचर्स थे 2-3 टीचर्स, उसके बाद चले गए जी, तो ऐसे रह जाते हैं, तो आई थिंक वही मेन मेरा फोकस तो वही होगा कि परमानेंट शिफ्ट करना ज्यादातर जी, तो मेरी कैपेसिटी में इन फ्यूचर आएगा तो ऐसा मौका जी। तो सर जैसे भी आपने कहा कि आपने टेम्पररी बिल्डिंग में अपना स्कूल डेज बिताया जेएनबी में, बावजूद इसके जेएनबी की जब बात करते हैं बहुत मिस करते हैं, बहुत वो चीजें ही अब याद आती हैं कि नहीं सर, एज अभी क्योंकि आप UPSC एग्जाम को क्रैक किया आपने, तो जल्दी जल्दी अगर फिर से एक बार कुछ हल्का हल्का टिप्स दे दे, क्योंकि जो बातें हो रही है सिर्फ जेएनबी की, ज़्यादातर जेएनबी की बातें हो रही है, ये जो बातें सीरियस बातें नहीं हो रही, एग्जामिनेशन सब्जेक्ट और जैसे आपने कहा मॉक टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, एकदम ब्रीफ में क्या क्या करना चाहिए? वही बोलूँगा, अगर कोचिंग एफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं होता है तो एक अच्छा गाइड पकड़िए, सेल्फ स्टडी यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, ऑलवेज देयर इज अवेलेबल यूट्यूब पे, आने के लिए भी कुछ कुछ फ्री कोर्सेज देते हैं और बहुत सारा यूट्यूब में मिल ही जाएगा आपको। और दूसरा बोलूँगा कि मॉक जैसे कि अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो मॉक इंटरव्यूज फ्री रहता है, तो दिल्ली में आप कोई भी इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दृष्टि तक फ्री देते हैं, जो कि सबसे फेमस है, वीडियो क्वालिटी इनका बहुत अच्छा रहता है मॉक्स का, मतलब वो दृष्टि भी आपको फ्री देते हैं, सब फ्री देते हैं, तो आप मॉक्स वो अटेंड कर सकते हो। हाँ, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, वो लोगों को लगता है कि डेली न्यूज़पेपर सिर्फ उसके लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए भी पढ़िए, आपको कंट्री में क्या चल रहा है समझ में आएगा, आप न्यूज़पेपर जब सिविल सर्विस तैयारी करेंगे तो बहुत नया नया टॉपिक पता चलेगा, ओके ये पॉलिटी भी होता है कुछ, इकोनॉमी भी होता है, सोशियोलॉजी भी कुछ होता है, बोलिए फिर जब न्यूज़पेपर पकड़ेंगे तब आप न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ है सबको समझ में आने लगेगा, GDP के बारे में मेंशन है, CAD
का बारे में, करंट अकाउंट डिफिशिट कुछ लिखा हुआ है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पता आप ऐसा चल रहा है तो अच्छा भी लगता है, कंट्री में ये चल रहा है, देश में इंटरनेशनल इवेंट्स ये चल रहा है, तो फिर आपको जियो पॉलिटिक्स भी मालूम रहता है। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर अपने लिए प्लस एग्जाम के लिए, और हो सके तो मंथली करंट अफेयर्स, अगर डेली नहीं कर पाते तो मंथली करंट अफेयर्स विजन आईएएस का पढ़िए जरूर। मैं तो पर्सनली विजन आईएएस यूज़ किया हूँ, इसलिए मैं उसी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो उनका वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल होता है एवरी मंथ, लाइक एक वन मंथ बैक चलता है, बट वो फ्रीली अवेलेबल होता है, तो आप वो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? इंटरव्यू के लिए वही बोलूँगा कि न्यूज़पेपर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो करंट बहुत पूछते हैं, वो लोग करंट बेचता है, न्यूज़पेपर पे कुछ भी हॉट टॉपिक चला तो वो पूछेंगे, जैसे यूएस यूक्रेन वार चल रहा था तो वो यूएस बोल रहा है, यूक्रेन रशिया वार चल रहा था तो वो पूछती है, मुझे वही DKI पूछा था, डिजिटल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में पूछा था, फिर वो नोडन स्तर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है वो पूछ दिया, वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स बेसिक था, वो भी 1-2 months बैक वाला क्वेश्चन था एक तरह, तो 1-2 months बैक वाला भी पूछ सकते हैं, तो वो लकी है ना, हम कंटिन्यूस न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, बोलते हो जाता है। और फिर GS को वापस पढ़िए, क्योंकि अगर GS आपका नहीं भी होता है, अगर इंटरव्यू नहीं भी होता है, तो आप नेक्स्ट प्रीलिम्स तब तक आ जाएगा आपका आफ्टर इंटरव्यू, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हो जाता है, तो GS पढ़िए और अपना सब्जेक्ट को ब्रश अप कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यूजली नहीं बैठते हैं। मगर अगर आप सोशियोलॉजी वगैरह के हैं तो जरूर पढ़िए, क्योंकि सोशियोलॉजी इतना जनरली कॉमन होता है कि वो सोशियोलॉजी का कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, ट्राइबल रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है कोई भी, क्योंकि वो जनरल मतलब लोगों को एक्सपर्ट्स है तो थोड़ा तो इतना मतलब डिग्निटरी से भरा भरा, तो उनको तो उतना आइडिया तो हो ही जाता है, क्योंकि वो रह चुके हैं IAS हो तो इतना सारा डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, उनको वो आइडिया रहता है, ये बेसिक तो बेसिक ट्रैवल का ये पूछ देंगे, तो वो तो थोड़ा परी है। बट अगर आप मैथमेटिक्स है वो तो कभी नहीं पूछेगा कोई, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बैठेगा, मेडिकल है तो मेडिकल भी बेसिक पूछते हैं, ब्लड क्या है ये वो करके जी। मुझे तो पर्सनली ब्लड के बारे पूछा, ड्रग कंट्रोल प्राइस ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट के बारे ऐसे पूछा, वो जनरल है जी। कभी भी ये नहीं पूछेगा हाँ बताओ मलेरिया का क्या क्या ट्रीटमेंट है, कभी वैसे नहीं पूछेगा, तो वो जनरल में परी है, वही बोलूँगा अगर इतना समझेगा। तो अंत में हमारे देखने वालों को और साथ ही साथ जेएनवीएंस को क्या बोलेंगे? वही सर कि मेमोरीज बनाइए और एंजॉय कीजिए इसके बाद, लेकिन पढ़ाई भी जरूर कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हम एंजॉय कर रहे हैं तो मेरा लाइफ हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपना फ्यूचर को भी देखना चाहिए, लेकिन ऑलवेज ऑलवेज बैलेंस ही था, पता नहीं मैंने बैलेंस कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन मेरे लाइफ के हिसाब से मैंने तो कर पाया है, क्योंकि मैंने एंजॉय भी किया है, ऐसा नहीं है मैंने भी कुछ कुछ क्या बोलते हैं बाहर बाहर घूमना ये सब भी किए है, तो इतना भी नहीं लेकिन किया है, तो इट्स ऑलवेज देयर, मेमोरीज जरूर बनाइए, वही बोलूँगा, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए जरूर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो जो बचपन में जो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी ऊपर में आपका ठीक रहता है, अब बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तो आप जितना भी सक्सेस देखेंगे तो 80% 90% टॉपर्स ही रहा करते थे स्कूल कॉलेजेस में, तब जाके उनका अच्छा होता, वो एक यूनिक केसेस बाद में हो जाते कि जो बहुत अलग से डेवलप हो जाते हैं वो रहते हैं, बट देयर इज़ वेरी यूनिक, सो फाउंडेशन वेरी स्ट्रांग जी। तो सर इन ये इनफॉर्मल बातें के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर जी।